नमस्कार, डेली डायनी न्यूज में आपका स्वागत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों से मन की बात की। 5 राज्यों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद ये पहली बार रेडियो पे कार्यक्रम था। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ट्रैफिक नियमों के पालन, एक हफ्ते में एक दिन पेट्रोल डीजल यूज न करने का संकल्प लेने के साथ कई मायनों में अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने मैटरनिटी लीव को 12 हफ्ते से बढ़ा के 26 हफ्ते किया है, ताकि मातृत्व का लाभ महिलाएं आराम से ले सकें। उन्होंने योग पे अपनी बात को रखते हुए कहा कि 21 जून को भारत तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है, इसके लिए लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वहीं उन्होंने 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस पे, इस बार यूएन के विश्व स्वास्थ्य दिवस से डिप्रेशन के प्रोग्राम पे कहा कि हमें डिप्रेशन से सप्रेशन की जगह एक्सप्रेशन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि 35 करोड़ से ज़्यादा लोग अवसाद से ग्रसित है, उसका कारण यह है कहीं ना कहीं वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में कोई खालीपन है। वहीं उन्होंने इस बार न्यू इंडिया की संकल्पना दी। इस न्यू इंडिया की संकल्पना के तहत उन्होंने कहा कि हमें फूड वेस्ट नहीं करना है, शादी समारोह या किसी अन्य मौके पे हमें खाना बचाना है ताकि गरीबों को मिल सके। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि वो संकल्प करें कि हफ्ते में एक दिन पेट्रोल के बगैर वो अपनी ज़िंदगी को हिस्सा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 70,000 व्यापारियों को पुरस्कार दिए गए हैं, तो लोग आगे बढ़ें और डिजी धन पे अपना विकास करें। वहीं उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी पे भी बांग्लादेशियों को बधाई दी।